afternoon, my dear children and my dear parents. How are you all? कैसे हो आप सब? Fine? Very good. I am also fine. Thank you so much. Okay, today I am going to start with the GK. GK first chapter I am going to continue again. Okay? ठीक है? Open our book 4. Level C, book 4. Open page number. Just open page number 2828. You can see this. Community helpers. Yes, I have completed these eight. Yes. Now remaining 4 I am going to explain you today. And I am going to complete this. Page number 29 also. Okay? Come on. Chalo. Now, I have taught you about teacher, doctor, sweeper, cobbler, police, fireman, gardener and mason. Okay? ये सब क्या-क्या काम करते हैं मैंने आप लोगों को already first lecture में और second lecture में सिखा दिया है. Okay? Now, I'm going to start with the new community helpers. Okay? Which are the new community helpers and what are they and in how कौन से तरीके से वो लोग अपने को मदद करते हैं, how they help us. Okay, now you can see the first one, carpenter. देखा सबने carpenter? See this carpenter? Yes, carpenter, farmer, soldier and painter. Okay, carpenter. Now carpenter, what does carpenter do? आपके घर में जो भी फर्नीचर है वो किसने बनाया है? कारपेंटर ने. किसने बनाया है? कारपेंटर ने. कारपेंटर को सारी चीज बनाने आती है. यू कैन मेक टेबल, चेयर, स्टडी टेबल, कबर्ड, वॉल ड्राफ्ट. ओके, वो सारी चीजें बना सकता है. ओके, आप लोगों ने देखा होगा जो टेबल होता है, छोटा पार्ट होता है, वो भी कारपेंटर ही बनाता है. ओके, देयर आर मेनी मेनी थिंग्स, ड्रॉर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कारपेंटर ही बना सकता है. ओके, जो डोर होते हैं घर के वो कौन बनाता है? कारपेंटर बनाता है. ओके, सो कारपेंटर इज आल्सो अ कम्युनिटी हेल्पर. ठीक है, कारपेंटर के बिना घर का फर्नीचर रेडी नहीं हो सकता है. ओके, अपना घर तो मेसन बनाता है लेकिन उसको पूरा कंप्लीट मेकओवर कौन देता है? कारपेंटर. कारपेंटर घर को पूरा घर बना देता है, क्योंकि घर में अगर दरवाजा नहीं है तो वो घर नहीं है, अगर विंडो नहीं है तो वो घर नहीं है. यस और नो? यस. तो इन दिस मैनर द कारपेंटर इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर अस. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फार्मर. फार्मर सबको पता है क्या होता है? किसान. यस, farmer is very very much useful for all of us, for all of us. Okay, जो पहले के लोग थे, ठीक है, जो एकदम stone age type के लोग थे, वो लोग क्या करते थे? वो लोग ऐसा carpenter को बुला के furniture बनवाते थे घर में? No. उनके घर में mason आता था घर बनाने के लिए? No. लेकिन वो लोग ऐसी गुफा गुफा बना के रहते थे. ओके, हम लोगों ने देखा कि जो भी चीजें जमीन पर है, जो कुछ भी अपनी फील्ड में उग रहा है, वो सारी चीजें खाने लायक है, उसे हम खा सकते हैं. और उसको फिर से कैसे प्रोड्यूस करना है, वो वहां से टेक्निक चालू हुई. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंगो के झाड़, जब भी भगवान ने पूरा वर्ल्ड बनाया तभी ऑलरेडी मैंगो के झाड़ लगे हुए थे, उसको फ्रूट लगा हुआ था. लेकिन जब उनको पता चला कि ये चीज हम खा सकते हैं तो उन्होंने उसको खाया. खाने के बाद जब उन्होंने देखा कि ये जो चीज है इसे हम अगर जमीन में लगाएंगे तो हमें दूसरा और प्लांट मिलेगा, और वो प्लांट क्या करेगा? बड़ा ट्री क्या करेगा? हम लोगों को फिर से वैसा ही फ्रूट मिलेगा. उन लोगों ने टेक्निक समझी, जो वर्ल्ड की जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो उस उन लोगों को समझ में आई कि
हम लोगों को क्या करना चाहिए। अभी फार्मर है तो फार्मर वहीं से फार्मर का भी बर्थ हुआ, फार्मर का भी वहीं से जन्म हुआ, और उन लोगों ने क्या करना चालू किया, जो वो लोग खाते थे उसको ही वो लोग सो कर देते थे, उसको जमीन में गाड़ देते थे, और उनको पता था कि आज नहीं तो कल उसमें एक छोटा सा पौधा निकलेगा, वो छोटा पौधा प्लांट बनेगा, प्लांट से वो बड़ा बन जाएगा और एक दिन उस ट्री में फूल भी आएंगे और फल भी आएंगे। तो ये फार्मर है, ये भी क्या करता है हमारे लिए, हमारे लिए जो दाल राइस वीट वो सब जो हम लोग खाते हैं वो सब हमें कौन देता है, फार्मर देता है। ओके, एक टाइम हम घर के बिना रह सकते हैं, एक टाइम हम कारपेंटर के बिना रह सकते हैं, एक टाइम हम कॉबलर के बिना रह सकते हैं, ठीक है, टीचर के बिना भी रह सकते हैं, लेकिन लेकिन हम लोग किसके बिना नहीं रह सकते हैं, फार्मर के बिना नहीं रह सकते। क्यों फार्मर के बिना नहीं रह सकते हैं, बिकॉज फार्मर ग्रो ग्रेन फॉर आस। ओके, ही ग्रो ग्रेन फॉर आस। जो भी ग्रेन्स आप खाते हो, फूड ग्रेन्स, वो कौन उगाता है, फार्मर उगाता है। सपोज कभी ऐसा हो कि फार्मर स्ट्राइक पे चला गया वन ईयर के लिए, तो क्या होगा, जो जो रेशन वाले हैं, जो उनके पास स्टॉक में रेशन रखा हुआ है, वो लोग वो दुगने तिगने भाव में बेचेंगे पब्लिक को, और पब्लिक का लॉस होगा, और फिर फार्मर को वन ईयर एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि वो एक साल के गैप के बाद अगर वो फिर से फील्ड उगाएगा तो इमिजिएटली तो फील्ड नहीं आएगा और इमिजिएटली मार्केट में प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, राइट। तो वो क्या करेंगे, उनको दो साल जाएगा, एक साल तो हम महंगा राशन खा लेंगे, दूसरे साल क्या करेंगे, हम कुछ नहीं मिलेगा हमें खाने के लिए। ओके, तो हम लोगों के लिए खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, वी नीड फूड टू सर्वाइव आवर लाइफ। ओके, अगर हमें लाइफ में जिंदा रहना है तो व्हाट डू वी नीड फूड। कुछ भी हो चलेगा, दाल राइस चपाती, सूखा चपाती भी खा लेंगे पेट भरने के लिए, लेकिन हम लोगों को जरूरत पड़ती है खाने की, है ना। यस, हम लोग बड़े बड़े बंगले में नहीं रहेंगे, हम लोग नीचे जमीन पर भी रह करके हम लोग सूखा चपाती खाकर भी जिंदा रह सकते हैं। यस और नो, किसकी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ फार्मर, ही वर्क्स वेरी हार्ड फॉर अस। ओके, ये हमारे लिए बहुत हार्ड वर्क करता है। ओके, यस, नेक्स्ट इज सोल्जर। व्हाट डू सोल्जर डू, सोल्जर क्या करता है, सोल्जर हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है, किससे प्रोटेक्ट करता है, आउटसाइडर, जो बाहर के देश के लोग हैं, जो हमारे बाहर के देश के लोग हैं, जो फाइटिंग करते हैं, ओके, जो फाइटिंग करते हैं बिना बात के, तो वो फाइटिंग को कौन रोकता है, आउटसाइडर के लोगों को यहाँ पर अंदर आने के लिए कौन रोकता है, सोल्जर रोकता है। हम लोग तो रात को सो जाते हैं, लेकिन ये बेचारे रात को भी नहीं सोते हैं, ये लोग क्या करते हैं, दे कीप देमसेल्फ अलर्ट, वो लोग अलर्ट रहते हैं, वो लोग हमेशा अपने वेपन्स के साथ अलर्ट रहते हैं, उन लोगों को खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। सम टाइम व्हाट हैपन, वो अपना खाना ऐसे थैली में बांधते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत मडी प्लेस, बहुत चिक्कल वाले एरिया में वो पूरे गंदे हुए रहते हैं, लेकिन वहाँ लड़ते लड़ते भी उनको बोलते हैं ना कि खाना खाने का समय नहीं मिलता है, तो वहाँ चिक्कल में बैठ के भी वो लोग खाना खाते, बहुत बार ऐसी पोस्ट आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है। तो सोल्जर्स आर ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर अस, हम लोग आज जो रात को चैन से सोते हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ दीज पीपल्स, नहीं तो आज यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कल वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, आज यहाँ टेररिस्ट घुस गए, आज वहाँ टेररिस्ट घुस गए, तो इसकी वजह से ये सब जो प्रॉब्लम्स आती थी वो कैसे आती थी, क्योंकि बाहर के लोग अपने इंडिया में आ जाते थे और वो लोग झगड़ा करते थे, तो वो झगड़े को कौन रोकता है, सोल्जर्स रोकते हैं। ओके, यस, सो वी मस्ट सल्यूट देम, इन लोगों को हमेशा सल्यूट करना चाहिए, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए इनके काम के लिए। ओके, यस, नेक्स्ट इज पेंटर। पेंटर क्या करता है, पेंटर पेंटिंग करता है, और जो जो
अपनी हिस्ट्री है वो हमें बताता है कि हमारे पिछले जमाने के लोग जो अर्लियर एज के थे, जो स्टोन एज के थे, वो कैसे थे, वो क्या करता है पेंटिंग के थ्रू हमें बताता है। अभी जो आपके बुक में ये सब पेंटिंग है, ये किसने की है? पेंटर ने की है। ये सब पेंटर डिसाइड करता है, ओके। ऑल्दो ये कंप्यूटर प्रिंटआउट निकाला है, पर कंप्यूटर प्रिंटआउट भी निकालने के लिए एक पेंटर का दिमाग लगाना पड़ता है कि इसको कौन से कपड़े पहनाने हैं, इसके हाथ में क्या होना चाहिए, ये कैसा दिखना चाहिए। तो पेंटर कैन डिसाइड दैट, ओके। यस, आप लोगों ने हिस्ट्री बुक में देखा होगा, आप लोगों के बड़े भाई या बड़े बहन की, उसमें जो भी पिक्चर्स है वो सब एक पेंटर ही डिसाइड करता है कि वो पिक्चर कैसा होना चाहिए लुक वाइज, ओके। कभी कभार बड़ी बड़ी पेंटिंग्स होती है वो पेंटर करते हैं। बहुत सारी ऐसे पिक्चर्स होती है जो हमारे हिस्ट्री को मेंशन करती है, जो हमारे हिस्ट्री बताती है हमें कि ये देखो ये शिवाजी महाराज का पिक्चर है और शिवाजी महाराज ऐसे दिखते थे, ठीक है। मैंने और आपने शिवाजी महाराज को नहीं देखा है, लेकिन पेंटर ने इमेजिन किया कि शिवाजी महाराज कैसे दिखते हैं। उसका इमेजिनेशन कहाँ से आया? जो पहले के पेंटर थे जिन्होंने उनको देखा हुआ था, उन्होंने अपनी इमेजिनेशन से उनको बनाया, ठीक है। यस, वो जनरेशन टू जनरेशन हर कोई पेंट करता आ रहा है और हर कोई एक दूसरे को फॉलो कर करके वो चीज़ें बनाते आ रहे हैं, ओके। नाउ आज मैं भी शिवाजी महाराज की पेंटिंग बना सकती हूँ। मैंने देखा नहीं है उनको, लेकिन जो मेरे फोर फादर्स थे उन्होंने तो देखा होगा, और उन्होंने देखा होगा जो पेंटर के फोर फादर्स थे उन्होंने भी देखा होगा, तो उन्होंने उसको बनाया कि कैसे दिखते थे वो, ओके। यस, कुछ लोगों के पास बहुत जूने ज़माने के किसी के पास फोटोज़ वगैरह होंगे कहीं कहीं पर हिस्ट्री में, तो वो लोग वहाँ से देख देख कर भी उसकी पेंटिंग करते हैं। बहुत टाइम मैंने देखा है कि स्ट्रीट पे रंगोली शिवाजी महाराज की, ओके। तो दैट इज ऑल्सो अ ट्रिक, पेंटर का एक माइंड होता है, पेंटिंग का कैसा कलर होना चाहिए, पेंटिंग देख कर कैसे लोग अट्रैक्ट होने चाहिए, तो दिमाग किसका होता है? पेंटर का होता है, ओके। इवन आई लव पेंटिंग, मुझे भी पेंटिंग बहुत पसंद है। नाउ टेक योर पेंसिल इन योर हैंड एंड आई एम गोइंग टू डू लिटिल बिट टिक मार्किंग वर्क, ओके। हम लोग आंसर आज टिक करेंगे। आप लोगों को बुक निकालना है पेज नंबर 29, ठीक है। नाउ हु हेल्प टू पुट आउट द फायर, आउट मतलब फायर को बुझाने का काम कौन करता है? ये पुलिसमैन करता है कि फायरमैन करता है? पुलिसमैन, यस। तो हम लोग किसको टिक मार्क करेंगे? इसको टिक मार्क करेंगे, ओके। नेक्स्ट, फायरमैन को टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट, हु हेल्प्स यू टू गेट वेल सून? आप लोगों को अच्छे से जल्दी ठीक होने में कौन मदद करता है? सोल्जर करता है या डॉक्टर करता है? डॉक्टर, यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, हु मेंड योर शूज? आप लोगों के शूज कौन बनाता है? कॉबलर बनाता है या टीचर बनाती है? टीचर बनाती है शूज? नहीं, कौन बनाता है? ये कौन है? कॉबलर, यस, कॉबलर। इसको हम लोग टिक करेंगे, ओके। हु ग्रो क्रॉप्स? अभी मैंने बताया था क्रॉप्स कौन ग्रो करता है, हमारे लिए खाना पीना कौन अरेंज करता है, कौन हमारे लिए धान्य उगाता है? स्वीपर? नो। देन हु इज द पर्सन? फार्मर, यस, ओके। नेक्स्ट, लास्ट वन, हु हेल्प्स टू कीप योर गार्डन ग्रीन? आप लोगों का गार्डन ग्रीन कौन रखता है? मेसन या गार्डनर? अभी गार्डन कहाँ दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पर दिख रहा है, तो ऑब्वियसली गार्डनर, ओके। चेक, आप सबको ऐसे ही करना है। ओके,
ठीक है. नाउ व्हाट यू ऑल हैव टू डू, यू ऑल हैव टू कंप्लीट दिस. ओके ठीक है. आई एम एंडिंग माय लेक्चर, मेरा जीके का लेक्चर मैं इसी से कंप्लीट कर रही हूँ. ओके नाउ नेक्स्ट थिंग्स आई एम गोइंग टू कंप्लीट इन माय other things I'm going to complete in my next lecture. Okay, with this I'm ending my today's lecture. After my lecture you people are going to get a link. You all have to play a link and you all have to stand straight for the national song. Okay my dear children, bye bye, take care, have a nice day.